लिखा दी और लिखा है फॉर्मेटेड, और कोई प्रोसेस से थोड़ी ना दिखता है। इसके जितने डायग्राम मैंने चैप्टर में सब पूरा है, एक वो डायग्राम काम के नहीं दिखते। यानी ये जताना चाहे हैं कि इंडस्ट्रियल जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो बहुत बड़े बड़े बर्तन में बनाते हैं। अब जितने बड़े बर्तन दिखाएं ऐसा लग रहा है 5,000 लीटर की टंकी है, ऐसा लग रहा है और बड़ी टंकी हो। तो इतनी बड़ी टंकी में करते हैं तो नाम देते हैं फर्मेंटर। तो वही नाम चाहिए कि जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो बनाते हैं इन लार्ज वेसल, और नाम है उसका फर्मेंटर। क्या इसमें जो सबसे पहला नाम आपके पास आता है एंड दैट इज अल्कोहलिक बीवर्सेस, अल्कोहलिक बीवर्सेस। हिंदी में आप इसे कहते हैं शराब। यानी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा हो। और शराब को भी आप जानोगे कई तरह की शराब होती है। हमने 4-5 नाम लिखे। एक शराब है बियर, एक वाइन कहलाती है, विस्की, रम और ब्रांडी। 5 नाम लिखे हैं। तो शराब तो आपकी टॉडी भी है, अल्कोहल है तो उसे भी हमें शराब कहना चाहिए। फेनी भी एक शराब है, गोवा वगैरह में बहुत इस्तेमाल होती है। जिन भी एक शराब है जो जापान में बहुत इस्तेमाल होती है। तो वो जहां अल्कोहल की मात्रा वो शराब होगी। लेकिन मैंने सिर्फ 5 बड़े बड़े नाम लिखे। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। जितने भी अल्कोहलिक बीवर्सेस बनाए जाते हैं दे ऑल आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो। और माइक्रो का नाम वही जो पुराना वाला जो आपने बेकरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया था वही इस्तेमाल यहाँ भी करते हैं। यानी पॉइंट है माइक्रो यूज तो इसी को आप चाहेंगे, चूंकि हम बीवर्सेस बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसको बीवर्स ईस्ट भी कह सकते हैं। तो सेम नाम है, जहां पर आप इस्तेमाल करेंगे वहां पर। जब वहां इस्तेमाल कर रहे थे तो मेरा मेन प्रोडक्ट CO2 था, जो फ्लफी फफी और जो अपीयरेंस देता था। यहाँ पे हमारा बेसिक प्रोडक्ट अल्कोहल। तो माइक्रो तो हमेशा एक ही इस्तेमाल होगा, चाहे जौन से शराब बना हुआ। लेकिन आप देखो कि मैंने शराब के 5 नाम आपको बताए, बियर, वाइन, विस्की, रम और ब्रांडी, और एक दो और बता सकते। ये 2 बातों पर डिपेंड करते कि जो हम शराब बना रहे हैं फर्मेंटेशन करके ही बना रहे हैं, फॉर द फर्मेंटेशन, बाय फर्मेंटेशन। तो इसमें हम रॉ मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, महुआ इस्तेमाल कर रहे हैं या जौ इस्तेमाल कर रहे हैं, अंगूर इस्तेमाल कर रहे हैं या ताड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी रॉ मटेरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे अक्सर लिखा है महुए की शराब या अंगूर की शराब, तो ये चीज है। और दूसरा किस प्रोसेसिंग से इस्तेमाल कर, बनाने का प्रोसीजर कैसा है। तो जो डिफरेंट वैरायटीज हैं, डिफरेंट वैरायटीज डिपेंड्स ऑन, पहला नाम है रॉ मटेरियल और दूसरा नाम है प्रोसेसिंग। तो रॉ मटेरियल तो हम लोग को नहीं पढ़ना है, जो आप ओरल जानते हो बस वही, क्योंकि हमारा चैप्टर तो ये है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम शराब बनाना थोड़ी ना सिखा रहे। लेकिन प्रोसेसिंग में एक लाइन लिख सकते हैं कि प्रोसेसिंग 2 तरह की होती है। कुछ ऐसी शराब होती हैं जो विदाउट डिस्टिलेशन, एक प्रोसीजर है उसका डिस्टिलेशन, एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें एक नली होती है। तो बनने के बाद शराब इसी नली से गुजरती है, लेकिन इस नली के चारों तरफ जो होता है वो ठंडा सा,
तो बाहरी एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा होता है और बना के इस प्रोसेसर से गुजरती है। वो आपको एमएससी वगैरह में केमिस्ट्री में सिखाया जाता है। आप शब्द जाने कि फर्मेंटेशन तो बेसिक लॉ है, तभी शराब बनेगी, लेकिन उस फर्मेंटेशन के बाद हम डिस्टिलेशन नाम की प्रक्रिया जब अपनाते हैं, कई केमिस्ट्री के लैब प्रैक्टिकल में नीचे लिखा रहता है। और एक ऐसा है दूसरा वाला, एंड इट इज विद डिस्टिलेशन, विद डिस्टिलेशन। अब इसमें एक लाइन हम आपको और बता सकते हैं, क्योंकि प्रोसीजर में दो नाम बताए, जो एल्कोहलिक बीवर्सेज विदाउट डिस्टिलेशन है उनको लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। आप यूज जैसे बना कुछ ही दिनों में उसे यूज कर, और लेकिन जो विद डिस्टिलेशन प्रोडक्ट है ये आप कई वर्षों तक रख सकते, कहते ना 150 साल पुरानी शराब, तो वो ये बन। अब इसमें भी मैंने सोचा जब ये शब्द एनसीईआरटी लिख रही है तो इसको नाम बता देना चाहिए थे। तो जो विदाउट डिस्टिलेशन प्रोडक्ट है वो दो हैं आपके पास, बियर और वाइन। वैसे वाइन का हिंदी मतलब होता है शराब, और किसी भी शराब को आप वाइन कह सकते, लेकिन यहां पर वाइन का मतलब ठर्रा है, जहां लिखा रहता है देसी शराब के लिए, तो ये वाली वाइन है। नहीं तो लोग लिखते इंग्लिश वाइन शॉप, यानी वाइन इंग्लिश का शब्द है जो किसी भी शराब के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में वाइन का मतलब देसी शराब होगा, अलग से नहीं लिखना। इसलिए पियर या वाइन ये दोनों को जब तक पैकेट के फॉर्म में है सील्ड है तब तक इट्स ओके। एक बार आप पियर का ढक्कन खोल दोगे तब उसे खत्म करना है, वो रख नहीं सकते। लेकिन अन्य जो तीन शराब और नाम दी जा रही है, जैसे विस्की, रम एंड ब्रैंडी, ये जो ये शराब का जिक्र किया जा रहा है, इनको आप ढक्कन खोल के थोड़ा सा पी के रख दीजिए, फिर रखे रहिए सालों सालों तक रखे रहिए, वो खराब। तो मेरा प्रयोजन सिर्फ ये था कि जब ये नाम आप पढ़ रहे थे कि दो अलग अलग प्रोसीजर हैं और हमें पांच नाम आपको देने हैं, तो मैं बताता चलूं कि विदाउट डिस्टिलेशन ये लोग हैं और विद डिस्टिलेशन ये, बस ये आपका एनसीईआरटी पूरा। कि यहाँ पर जो माइक्रोब का इस्तेमाल हो रहा है वो सैक्रोमाइसिस सेरेसी इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें हम एल्कोहलिक बीवर्सेज यानी एल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो डिफरेंट वैरायटी की शराब है वो इस बात पे डिपेंड करती है कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया आपने और किस प्रोसेसिंग से बना। फिर एक पॉइंट हमने अपने आप से जोड़ा, ये पांच नाम दिए हैं, पांचों की आपको एल्कोहलिक परसेंटेज बता दी, और उसका भी एक पर्पज था हमारे पास। एक बार एग्जाम में इसी जिसको हम लोग सीएससी पीएमटी पहले कहा करते थे, अब वो नीट खिलाने लगा, उसमें बियर के अंदर एल्कोहल की मात्रा पूछी गई। तो अब मैंने उसे समझ के सारा लिख दिया। आप देखो बियर में सबसे कम एल्कोहल होती है 3% से लेकर के 10% एल्कोहल, फिर उससे ज्यादा शराब में होता है वाइन, दैट इज 9 से लेकर 16%। लेकिन फिर भी आप देखो कहते हैं देसी शराब बड़ी स्वाद में कड़वी होती है, नुकसान करती है, रीजन है भाई प्रोसेसिंग। कई बार देसी शराब बना के पॉलिथीन में रख दी जाती है, धूप धूप में पड़ती है, तो आप जानते हैं धूप सनलाइट में एथाइल अल्कोहल मेथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, सनलाइट का एक्सपोजर होता है और मेथाइल अल्कोहल इज जहर। तो इसीलिए आदमी शराब बना के यहाँ से ट्रक से भेजा, ट्रक रास्ते में कहीं 4 दिन के लिए खड़ा हो गया, धूप धूप पड़ी, बारिश पड़ी, उसी में अपने अंदर ही अंदर वो मेथाइल अल्कोहल बन गया। तो लोग कहते हैं जहरीली शराब पीने से 70 लोगों की मृत्यु, हमने तो नहीं बनाई। तो ये बातें इसी से जुड़ी, लेकिन बहुत ज्यादा अल्कोहल नहीं होती, इससे ज्यादा अल्कोहल तो विस्की और रम में। विस्की में अल्कोहल की मात्रा होती 40% और उतनी ही मात्रा रम में भी होती है, दैट इज 40%। सबसे ज्यादा मात्रा अल्कोहल की होती है ब्रैंडी में, दैट इज 42%। ये मैंने जानबूझ के लिख दिया है क्योंकि बहुत लोगों को थोड़ा भ्रम है, उनको लगता है कि नहीं जो हमारी देसी शराब होती है उसमें सबसे ज्यादा अल्कोहल होता है, नशा खाते सब गिरे रहते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा जो अल्कोहल है वो ब्रैंडी में है, इसे ठंडे स्थान पर ब्रैंडी विस्की रम इज वेरी कॉमन। अब इसमें एक शब्द और जोड़ दिया,
दुनिया में जो सबसे ज्यादा अल्कोहलिक बीवरेजेस यूज होती है उन्हें बीयर एक लाइन जोड़ दी कि मोस्ट कंज्यूम्ड अल्कोहल इन द वर्ल्ड इज द बीयर, जिसमें सबसे कम मात्रा इस्तेमाल होती है। मोस्ट कंज्यूम्ड इन द वर्ल्ड, और कई लोग तो सर इसको कहते हैं शराब है ही नहीं, तुम लोग ने बोले क्या है, कहते हैं जौ का पानी, क्योंकि बियर तो जौ से बनाई जाती है, तो भैया ही मंगवे पानी, ये भी तो कह सकते हैं। तो खाली अपने आप को दिलासा देने के लिए है, लेकिन है तो ये शराब ही, इज ऑब्टेन फ्रॉम बार्ले। जब ये जौ का पानी है तो दूसरी शराब भी तो कुछ इसी तरह से बनी होगी रॉ मटेरियल। ये बताने का पर्पज ये था कि आपके एनसीईआरटी के लिए रॉ मटेरियल ले रही है, तो मैं चाहता था जानना एक ओरल पूछते हैं सवाल। ये तो सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाली शराब, सबसे पॉपुलर कौन सी शराब है? शैंपेन। मोस्ट पॉपुलर जो है वो शैंपेन है, और लिखते हैं उसको चंपा में, अंग्रेजी है भाई। ये है शैंपेन, इसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं बोलते हैं चंपा, तो शैंपेन है चंपा गली लिखा, तो ये ब्रांड आपको नहीं याद है। यस अल्कोहलिक बीवरेजेस को अब नाम से ही पता चल रहा है एंटीबायोटिक्स का, हम सब घर में तो बनाएंगे ना, ये इंडस्ट्री में बनेगी तो जो इंडस्ट्रियल स्केल का प्रोडक्ट है उसी में लिखे हैं। लेकिन पहले इसका नाम जान लीजिए, इसका नाम हुआ एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी कुछ ऐसी बात करने जा रहे हैं हम लोग जो अगेंस्ट है, और बायोस का मतलब लाइफ, जीवन के अगेंस्ट, ऐसा नहीं है। एंटीबायोटिक जीवन के अगेंस्ट नहीं है, इट इज ये अगेंस्ट जो वर्ड लिखा जाता है, इट इज अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उस जगह पे ऐसा लग रहा है कि सर हमारे ही खिलाफ काम करती है, अगर हमारे खिलाफ काम करती तो हम इसको बनाए ही नहीं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी स्पेसिफाई कर दे रहे हैं सर बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, वायरस फंजाई प्रोटोजोआ ईस्ट इन सब के खिलाफ कतई काम नहीं करती एंटीबायोटिक। हमारे लिए क्या है इन ह्यूमन, अब दूसरा शब्द ध्यान से सुनिएगा, इन ह्यूमन इट एक्ट लाइक या एज प्रो लाइफ। अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रोबायोटिक फूड पढ़ा था, प्रो लाइफ का मतलब सपोर्ट लाइफ, हमारे लिए ये तो सपोर्ट करती है। हमारे शरीर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज कर सकते हैं उनको ये मार देती है। तो ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, एक प्रोबायोटिक फूड एक ऐसा खाना जिसमें लाइफ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और प्रो लाइफ शब्द हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि सर एंटीबायोटिक नाम से पता तो चल रहा है हमारे शरीर में जाती है, शरीर के अंदर जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके खिलाफ काम करती है, लेकिन इस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम नहीं करती है, तो हमारे लिए लाइफ को ये सपोर्ट है। अब इसकी बात है कि एंटीबायोटिक शब्द सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया, इसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं, इसमें दूसरा नाम होगा वॉकमैन्स, एंटीबायोसिस एक शब्द था उसी से बना है, एंटीबायोटिक टर्म वाज यूज्ड बाय, यानी लाइफ के अगेंस्ट अगर काम कर सकती है कोई चीज तो वो एंटीबायोटिक कहलाई, और इसका नाम है वॉक्समैन। ये सवाल इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि जब ये सवाल पूछा गया है तो बच्चा अक्सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही बता देते हैं, क्योंकि इतना पॉपुलर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की डिस्कवरी करने में कि दाएं बाएं बच्चे को नहीं दिखा देता, उसने खाली एंटीबायोटिक ढूंढ दी थी, सही इस्तेमाल भी नहीं बताया था। सही इस्तेमाल तो बाद में पता चला था फ्लोरियन चेंज के द्वारा। तो ये टर्म एक बार पढ़ लीजिएगा, इसका एक सवाल ये भी है जिसका आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में है। अब इसकी भी डिस्कवरी एक्सीडेंटल डिस्कवरीज हैं,
जो हमारे विज्ञान में एक्सीडेंटली डिस्कवर हो जाता है, जैसे ढूंढ कुछ और रहे थे, ढूंढ कुछ और लिया, उसे कहते हैं सेरेंडिपिटी। इस प्रोसेस में कि हमारा प्रयोजन नहीं था वो ढूंढना, कहीं ब्रैकेट में लिखा है कि एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, इसे नाम दे रहे हैं सेरेंडिपिटी। इनका वर्क कभी भी एंटीबायोटिक पे था ही, इनका सारा वर्क जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का था वो किसी और जगह था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हम फ्लेमिंग और से ही अक्सर बोला करते हैं, ये कल्चर मीडिया तैयार करते थे एक बैक्टीरिया के लिए, उसका नाम था स्टाफिलोकोकस, कान खुला रखिएगा। इनका वर्क था, इट वॉज डूइंग द कल्चर ऑफ स्टाफिलो। अब ये कंफ्यूजन में कई लोग खड़े हो जाते हैं, जब ये सवाल पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो किस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, तो एक ऑप्शन होता है स्ट्रेप्टोकोकस, तो वो कई बार भूल जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस से इनका कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ ये देखते थे कौन कौन सा कल्चर मीडिया है जिसमें स्टाफिलोकोकस ग्रो कर सकता था, और वो शाम को लिखते थे कि हमने कल्चर मीडिया लिया तो स्टाफिलोकोकस ऐसे ग्रो किया, हमने कल्चर मीडिया में थोड़ा बदलाव किया तो उसकी जो ग्रोथ थी वो धीमी हो गई या तेज हो गई, वो सिर्फ ये पढ़ते। फिर पढ़ने के बाद वो शाम को प्लेट, जो कहीं कल्चर प्लेट है उसे हटा देते थे, धूल धूल के रख देते थे, कल सुबह फिर आते थे और फिर एक कल्चर मीडिया नया तैयार करते थे, देखते थे नए कल्चर मीडिया में इसकी ग्रोथ कैसी होती। एक दिन कोई ऐसा रहा होगा उन्होंने एक कल्चर प्लेट धुलना भूल गया और कहीं वो पड़ी रह गई, कई दिनों तक पड़ी रह गई। कई दिन बाद उनको जब वो प्लेट मिली, उनको कह रही तो प्लेट रह गई, चलो इस पर भी फिर से ग्रो कराते। तो जब उन्होंने कल्चर प्लेट पे तो काफी दिन से ऐसे ही पड़ी, जिसको लिखा जाता है किताब में अनवॉश्ड, जिस रोज धुल दिया करते थे, जिस दिन उन्होंने नहीं धुला था वो ऐसे पड़ी रह गई, वही अनवॉश्ड जो प्लेट थी उस प्लेट पर उन्होंने जब फिर से कल्चर मीडिया तैयार किया तो वहां स्टाफिलोकोकाई ग्रो ही नहीं कर रहा। इट वॉज अ रियली शॉकिंग कि पिछले कई दिनों और महीनों से वो ये देख रहे थे कि हम ये मीडिया इस पे बनाते हैं, रखते हैं और स्टाफिलोकोकस बढ़िया ग्रो करता है। सेम वही मीडिया जब उन्होंने इस प्लेट पर बनाया तो स्टाफिलोकोकाई ग्रो नहीं किया। अब उनको लगा है कुछ तो गड़बड़ है, यही मीडिया हमने कल बनाया था तो ग्रो किया, परसों नरसों तरसों सब दिन ग्रो कर रहा था, आज इस पे क्यों नहीं ग्रो कर रहा है। तब उन्होंने लेंस से देखना शुरू किया, he saw the some filaments, उन्होंने देखा कि उसमें कुछ filaments हैं, उन्होंने सोचा ये क्या है, and he discovered the Penicillium notatum, और तब ये बताया इस Penicillium notatum की वजह से जहाँ Penicillium notatum है उस जगह स्टाफिलोकोकाई ग्रो नहीं कर सकता, and he discovered the chemical also, कि अगर Penicillium notatum है तो यहां पर एक केमिकल निकलेगा, इसका नाम है Penicillin, और इस Penicillin जो है इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ स्टाफिलोकोकस, प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ स्टाफिलोकोकस। बस इतना ही लिख के वो चले गए, बस इनका काम खत्म। इनको कुछ एंटीबायोटिक वगैरह से मतलब नहीं था, क्योंकि वो तो निष्कर्ष लिखते थे कि किस कल्चर मीडिया में कितना अच्छा ग्रो करता था। तो उनका सिर्फ एक स्टेटमेंट आ गया कि भाई Penicillium notatum जहां ग्रो करता है उसमें एक केमिकल जरूर होगा Penicillin, और ये स्टाफिलोकोकाई को ग्रो नहीं कर देते। अब कुछ समय के बाद वर्ल्ड वॉर टू शुरू, तो स्टाफिलोकोकाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जहां कहीं कट वगैरह लग जाता है वहां ये बड़ी आसानी से ग्रो कर जाता है, और उस कटी हुई चीज पर इंजरी को ये पका करके सड़ा देता है। अब वर्ल्ड वॉर टू में बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो इंजर्ड हो रहे थे तो वहां स्टाफिलोकोकाई नाम का बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर जाता था, हाथ काटना पड़ता था, पैर काटना पड़ता था, उस अंग के हिस्से को निकालना पड़ता था।
उसी में किसी ने सजेस्ट किया ये भी एक डिस्कवरी है, स्टैफलोकोकाई इनकी प्रेजेंस में ग्रो नहीं करता। तब जाकर के लोगों ने सोचा है इससे तो हमें छुट्टी मिल ही नहीं पा रही है, तो क्यों ना इस पेनिसिलिन का ही इस्तेमाल किया जाए अगेंस्ट दिस, एंड दिस वाज द दैट इज इफेक्टिव पोटेंशियल, यही था इफेक्टिव वर्क उसके बाद शुरू हुआ। और इस काम को डिस्कवर किया फ्लोरी और चेन नाम के दो वैज्ञानिकों ने, नाम आधा आधा ही याद करिए, फ्लोरी एंड चेन। इन्होंने बताया कि भाई कुछ दिन पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये बात बताए हैं, क्यों ना चेक करके देखें, एंड वी गॉट द मार्वेलस रिजल्ट। अमेरिकन सोल्जर्स पे ये इस्तेमाल हुआ पहली बार पेनिसिलिन नाम की एक ऐसा केमिकल। जब ये पेनिसिलिन उन लोगों को दे दिया गया तो उस पे अंग में जो इंजरी थी वो पकने नहीं पाई, अंग को हटाना नहीं पड़ा, और बहुत सारे सोल्जर्स को बचा लिया गया, नहीं तो वो मर भी सकते थे। इससे जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तो 1945 में जाकर के तीन लोगों को मिला के, फ्लेमिंग, फ्लोरी और चेन, इन तीनों लोगों को मिला के नोबेल प्राइज दिया गया, दैट इज 1945। तो इनका नाम भी इसको पूछा जाता है नोबेल अवार्ड 1945। इसमें तीन लोग हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चेन। लेकिन इसमें चार पांच सवाल हैं, आप हड़बड़ी में देखोगे तो शायद ना दिखाएंगे। पहला सवाल ये आता है कि एंटीबायोटिक टर्म किसने इस्तेमाल किया, तो बॉक्समैन। दूसरा शब्द, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने काम किस पर किया था, उनका वर्क एक बैक्टीरिया पर था स्टैफलोकोकस, उस वर्क का नतीजा था कि स्टैफलोकोकाई का कल्चर नहीं हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ दिस माउल्ड, इस पेनिसिलिन की वजह से ये पेनिसिलिन निकलता है और पेनिसिलिन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ स्टैफलोकोकस। लेकिन इसका मेडिसिनल यूज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नहीं पता था, क्योंकि इनका वर्क ही ये नहीं था। ये मेडिसिनल यूज इन दोनों ने शुरू किया, तो लिखा है फुल इफेक्टिव पोटेंशियल ऑफ द पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय द टर्मिनल फ्लोरियन ची। फिर अवार्ड जब देने की बात आई तो तीनों को मिला के अवार्ड मिला चिकित्सा क्षेत्र। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को तो पता ही नहीं था यार हमने ऐसा कोई काम कर दिया, क्योंकि वो भी एक्सीडेंट जो काम भी किया था वो भी बोला सेरेंडिपिटी का। अब एक सवाल और लिखा है जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा, हम ये बात तो कह रहे हैं कि हमारी एंटीबायोटिक जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होती है। इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया, पूछा गया मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होती है। एक लास्ट लाइन में आप देखेंगे ये पॉइंट लिखा हुआ मिले, मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम द फंजाई एंड एंड बैक्टीरिया। अब ये कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि मैं लिखता हूं कि इट एक्ट अगेंस्ट द बैक्टीरिया, तो बच्चे को लगता है सर ये लाइन गलत हो रही है, एक हमने नाम भी लिखा है एक्टिनोमाइसिटीज, पर वो नहीं याद करना है। ये ज्यादातर हमारी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो या तो फंजाई से प्राप्त होती हैं या बैक्टीरिया से प्राप्त होती है, लेकिन काम वो हमेशा बैक्टीरिया के खिलाफ करें। फिर कान खोल के सुन लीजिएगा, फंजाई से भी एंटीबायोटिक प्राप्त होती है, बैक्टीरिया से भी प्राप्त होती है, लेकिन काम वो सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ करती, फंगस के खिलाफ काम नहीं करती। और ये जितनी बार एग्जाम में आता उतनी बार हल्का गलत करता है, तो उसे दिखाई देता नहीं, ये दिख जाएगा नहीं अच्छा बैक्टीरिया से मिलता है, बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता हूँ, सर फंगस से भी मिलता है। और सबसे ज्यादा जो एंटीबायोटिक से नहीं से मिल रहा, इसके अलावा भी कई जगह से एंटीबायोटिक मिल रहा है। एंटीबायोटिक का सिर्फ एक मतलब ऐसा केमिकल जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करे, ये कहीं नहीं लिखा गया कि बैक्टीरिया से ही मिले, किसी से मिले तो सेंटेंस में स्पष्ट लिखा है मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन बाय, पर शब्द दिखाई दिया। किताब में केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, बहुत सरल सी बात है, कई सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होती है, जिसमें आपको चार केमिकल का जिक्र किया, 4000 हो सकते हैं बट आपको याद सिर्फ एक यही जानकारी।
जैसे नाम में सबसे पहला नाम दिया हुआ है सिट्रिक एसिड, और बड़ा पॉपुलर सवाल है, पिछले 3 सालों से कोई ना कोई सवाल इधर उधर से किस हिस्से से आता है। दूसरा नाम है आपके पास ब्यूटायरिक एसिड, तीसरा नाम है एसिटिक एसिड, और चौथा नाम है लैक्टिक एसिड। कभी गलत नहीं होता है सिवाय एक क्वेश्चन छूटने। तो यही 4 का जिक्र हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड तो कभी गलत नहीं होगा, इज ऑब्टेन फ्रॉम लैक्टोबैसिलस, तो ये तो भूल ही जाइए गलत होगा। एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम एसिटोबैक्टर एसिटाइल, नाम पढ़ के देख लो एसिटोबैक्टर एसिटाइल। सर ब्यूटाइलिक एसिड का भी नाम ध्यान से अगर पढ़िए तो भी आ जाएगा क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। ये नाम थोड़ा सा अलग है, इसमें गलती अगर कभी किसी की होगी तो सिर्फ इसी जगह, एंड दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम एस्परजिलस नाइजर, क्योंकि सेटिल नहीं है। पहले इस टॉपिक को सवाल में नहीं पूछते थे एग्जाम, लेकिन जब से वो नीट वाला आसान वाला ट्रेंड आया तब से ये पढ़ लिया पूछा। तो पहले ये वाला हिस्सा नहीं आता था, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल को पता था। खैर इसमें एक चीज और देखिएगा, ये क्या है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये और ये फंगस। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं बट हमारे सिलेबस में नहीं, उस पर भी प्रॉब्लम। दूसरा नाम आ जाइए चौथे नंबर की, केमिकल्स के अलावा हम लोग कह रहे हैं कुछ एंजाइम्स प्राप्त होते हैं, लेकिन सर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स एंड द ह्यूमन वेलफेयर, लेकिन यहाँ पर 2 ग्रुप बनाए गए एंजाइम के, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इस माइक्रोब से प्राप्त होता है। इसलिए एंजाइम यहाँ पर हम बताएंगे, सर 2 एंजाइम का जिक्र है, एक का नाम है लाइपेज और दूसरे का नाम है आपके पास पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस। लेकिन आपको बताया नहीं जा रहा है कि किससे ये प्राप्त होते हैं। जनरली दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉट ओनली वन माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे लाइपेजेस ही हैं, बहुत सारी फंजाई से प्राप्त होता है और कुछ बैक्टीरिया से प्राप्त होता, वैसे ये भी है, तो कई सारे हैं, शायद इसीलिए एनसीईआरटी ने नहीं लिखा। तो आपसे ये सवाल भी नहीं पूछा जाता कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लाइपेज प्राप्त होता है, जो पूछना है इन्हीं 4 को पूछेंगे, 5वां नहीं आता कभी, सिर्फ इनके यूज बताए गए। ये सब हमें जनरल लिखते हैं, ये दोनों के दोनों जो नाम दिए गए हैं दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द सर्टेन माइक्रोब्स, ये कोई माइक्रोब होता हो तो नहीं पढ़ना, वो बैक्टीरिया है, ईस्ट है, फंजाई है, स्यूडोमोनास है, वो सब नहीं पता। लाइपेजेस, लाइपेजेस का इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव ऑयली स्टेन। कैसे? लाइपेज का नाम है लिपिड परएक्शन करने वाले। तो अगर हमारे कपड़ों में तेल या घी के दाग लग जाते तो वो साबुन से नहीं छूटते, तो लाइपेजेस का इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो ऑयली स्टेन को छुड़ा सके। तो जितने भी आपको वॉशिंग पाउडर आते हैं और ऐड करते हैं कि हमारी सफेद कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद कैसी, जितनी से जितनी दाग को तुरंत छुड़ाएं, तो ऑल कंटेन द लाइपेजेस, क्योंकि जो दाग नहीं छूटता है वो ऑयली स्टेन नहीं छूटता, और सारे स्टेन छूट जाते हैं। तो जब लाइपेजेस होंगे तो कहते हैं उसके ऊपर डाल के थोड़ा भिगो दीजिए, तो वो लिपिड वाला हिस्सा जितना फैटी ऑयली चीजें होंगी उनको ये डाइजेस्ट कर देगा। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लॉन्ड्री में कर रहे हैं। तो लाइपेजेस मींस हुआ टू रिमूव ऑयली स्टीम इन लॉन्ड्री। तो अगर आप इसको ध्यान रखोगे, ऑयली मतलब फैट वाली चीजें यानी लिपिड वाली, तो लाइपेज आसानी से समझ में आ जाए। दूसरा पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस, इसका इस्तेमाल करते हैं जब
बनाते हैं फ्रूट जूस और उसको बोतल में भरने से घरों में आप कभी भी जूस बनाइए उसमें बहुत सारे रेशे दिखाइए, चाहे आप कोई भी जूस बना लीजिए, सेब का ही बना लीजिए, उसमें तो सबसे ज्यादा रेशे दिखाई देते हैं। चूंकि आप घरों में बनाते हैं तो रेशे दिखते हैं तो आप उसको बुरा नहीं फील करते हो, लगता है सामने फ्रेश तो बनाया है। लेकिन आप बाजार से जब कभी एप्पल जूस एप्पी उप्पी ला के खरीद के देखिए फ्रूजी का, एकदम बिल्कुल उसमें एक रेशा नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक रेशा भी दिखाई देगा तो आपको लगेगा ये गड़बड़ है, इसको हम नहीं पिएंगे। तो वो देखने में ठीक लगे तो जब उनको बनाया जाता है जूस को तो उसमें ये एंजाइम डाल दिया जाता है ताकि जो पेक्टिन या प्रोटीन वाली चीजें हैं वो उसी में डिजॉल्व हो जाए, तो उसी में डिजॉल्व होकर के लगभग ट्रांसपेरेंसी दिखाई देती है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं इन बॉटल्ड जूस। बस यही दो सवाल इसके आज तक आए, ये माइक्रोब नहीं बढ़ना है, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ एंजाइम प्राप्त होते हैं, उन एंजाइम का इस्तेमाल हम किस प्रयोजन में करते हैं इसे है। तीसरी हेडिंग इसकी है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आज आपने जितना भी पढ़ा है सिर्फ इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तीन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है लेकिन वो 300 के बराबर है, जब एक एक अल्फाज इसका इंपॉर्टेंट होगा जब इससे तीन ही पॉइंट है। इसमें सबसे पहला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जो है एंड दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज, नाम बहुत अच्छा है इसका, हिंट मिल जाती है कि भैया किससे प्राप्त होता है, क्योंकि जो भी हम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल पढ़ेंगे ये जरूर बताएंगे ऑब्टेन, यहां नहीं बता रहे जरूरत नहीं थी लेकिन यहां आपको पढ़ना। So this streptokinase is obtained from streptococcus, एक बैक्टीरिया है, और इसीलिए मैंने थोड़ा पहले भी आपको बताया streptococcus, वहां ध्यान मत दीजिएगा बट यहां दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे streptococcus से ही प्राप्त होता है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ streptococcus लिखा, अगर आप थोड़ा ज्यादा जान सकें तो मैं लिख रहा हूं that is a beta, ये जरूरी नहीं है याद करना, हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। अब ये नाम सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इससे पहले आपको कई बार स्ट्रेप्टोकोकस लिख दिया, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस पेकालिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैंटिस, तो सिर्फ वो नहीं, ये एक बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, उनसे प्राप्त होता है। सामान्यतः ये बैक्टीरिया इंफेक्शन कॉज करता है रेस्पिरेटरी, तो आपका पहला शब्द आसानी से सेट भी हो जाता है कि बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि स्ट्रेप्टोकोकस से सीधे हमको स्ट्रेप्टोकाइनेज मिल जाता है और उसी का हमको इस्तेमाल करते हैं। नो, तो जो हमें ये प्राप्त होता है इसको हम थोड़ा जेनेटिकली मॉडिफाई भी करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई, किसलिए मॉडिफाई करते हैं, ताकि हम अपने प्रयोजन में इसका इस्तेमाल कर सकें, मॉडिफाई फॉर मेडिसिनल यूज, मेडिसिनल यूज, जो हमें मिलता है उसमें थोड़ा परिवर्तन करते हैं। बस ये भी शब्द जेनेटिक इंजीनियरिंग लिखा होता है, लेकिन आपका सिंपल सवाल यही रहता है स्ट्रेप्टोकाइनेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पहला आंसर बैक्टीरिया, दूसरा आंसर कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस। अब तीसरा सवाल जो खूब पूछा जाता है, काम भी बताते चलो कि कौन सा मेडिसिनल यूज है, तो इसको लिखते हैं हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेज है, इट एक्ट एज क्लॉट बस्टर, बस्टर का मतलब होता है फोड़ने वाला, ब्रेक करने वाला, जो आपके ब्लड क्लॉट होते हैं वो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर, यही सवाल है जो हमारे ख्याल से बहुत बार पूछा गया है, मतलब अगर इनमें से चाहे आप जितने गधे बच्चे हो गलत नहीं होना चाहिए। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज फॉर द क्लॉट बस्टर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया, नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। अब क्लॉट बस्टर क्लॉट
आपकी ब्लड वेसल्स में अगर बन जाता है तो आपको कई प्रकार की बड़ी बीमारियां हो जाती। क्लॉट बस्टर कहाँ कॉमन है? क्लॉट्स आर कॉमन इन कैड, हो सके तो आपको याद, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जहां आपने एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ा था तो वहां पर लिखा था आपने कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो सकता है, फाइब्रस टिश्यू हो सकता है, क्लॉट हो सकता है। तो यहां पर जो कैड है, यह शब्द और अच्छा दे दें, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट, तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, कहीं क्लॉट बन जाएगा, रास्ता संकरा हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, आगे चल के आपको एंजाइना होगा, एमआई भी हो सकता है। तो यही बातें दोबारा लिखी, तो मैं नहीं फोकस कर रहा हूँ, अगर आपको चैप्टर याद है कि हमारी कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई क्लॉट बन गया है तो रास्ता संकरा हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम होगी, जिसको शायद आपने एंजाइना या सिम्पटम्स, लंबे समय तक रहेगा तो अचानक आपकी कुछ कार्डियक मसल डाई हो जाएंगी, नोन एज अ हार्ट अटैक। तो ये बात आपकी भाषा में लिखी जाती है, स्ट्रेप्टोकाइनेस का इस्तेमाल हम करते हैं हार्ट अटैक जहां होता है उस जगह इलाज करते हैं, जहां कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, जहां कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होती है वहां इस्तेमाल करते हैं। ये किताब लिखा। अब एक नाम हमने और लिखा, जहां स्ट्रेप्टोकाइनेस लिखा है वहीं पर एक शब्द और लिखा होगा ब्रैकेट में, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, टीपीए के, तो ये भी वर्ड लिखते हैं, एक्ट एज ए टीपीए, थर्ड पार्टी एजेंट नहीं होता, ये थर्ड पार्टी एजेंट भी बड़ा पॉपुलर है इंश्योरेंस की कैटेगरी, जब आप इंश्योरेंस कराते तभी शब्द वर्ड आता है। इसका नाम हुआ टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। तो मैं शब्द को आपको बताना चाहता था, एक शब्द आपको रिपीट करना, यानी आपके यहां पर इसका बेसिक फंक्शन होता है प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट कर। तो हमारे ब्लड में ऑलरेडी प्लाज्मिनोजेन होता है, इट्स ए टाइप ऑफ प्रोटीन फॉर्मड बाय द लिवर एंड प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, सोया रहता है, खाली स्ट्रेप्टोकाइनेस जा करके इनको जगा देता है कि बाबू उठो अपना काम करो, और वो काम कर नहीं लगता, नाम सुन लीजिए। जैसे ये प्लाज्मिनोजेन है, ये नाम आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन इसका दूसरा नाम लिख दो, इसका नाम है प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, आपको कुछ ज्यादा समझ में आ जाएगा, प्रो का मतलब इनएक्टिव है। ये जब स्ट्रेप्टोकाइनेस पहुंचा तो उसने कहा भाई तुम एक्टिवेट हो जाओ, स्ट्रेप्टोकाइनेस का काम ही टीपी यही काम कर रहा है। अब जब इसको एक्टिवेट कर दोगे तो क्या बनेगा, प्लाज्मिन, प्लाज्मिन का दूसरा नाम क्या हो गया, फाइब्रिनोलाइसिन। अब आगे बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जहां क्लॉट बना होगा वहां फाइब्रिन तो नेटवर्क के फॉर्म में आया ही होगा, तो ये भैया जा करके उसको मिटा देते, पढ़ो ना, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। तो जिस जगह पर जिस टिश्यू पे आपके यहां क्लॉट बन रहा है वहां पे प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट कर देते तो वो ब्लड से वहीं पहुंच जाता। आपने याद इसी, आप यही याद करिए, तो मैंने इसलिए आपको याद दिलाया कि मैंने कहीं पढ़ाया था कि हमारे मेंस्ट्रुअल ब्लड में प्लाज्मिन बहुत ज्यादा होता है, तो क्लॉट नहीं बनते, तो मुझे लगा याद होगा आपको, इससे मैंने याद दिलाया कि भाई हमारे पूरे ब्लड में ईश्वर ने ड्यूल व्यवस्था की, एक तो व्यवस्था की कि भैया क्लॉट ना बने, पहले दे दिया उसने, और ले जाओ प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देगा, फिर उसने कहा कि मान लो गलती से क्लॉट हो जाए तो बाबू तो तैयार है, तुम्हें पता चले तो तुरंत कन्वर्ट होके डिसॉल्व कर देगा। इतना आसान नहीं दिया था कि हम आसानी से क्लॉट बना ले, ड्यूल सिस्टम है, क्लॉट नहीं बनने देता है, और अगर बन जाए तो सर एक भाई को रखा है, बस इनको पता चलना चाहिए तुरंत ये प्लाज्मिन में कन्वर्ट होंगे, और आगे तो आप समझ रहे होंगे ना, ये डिसॉल्व कर।
डिसॉल्व क्लॉटिंग। लेकिन अगर आपको ये सब बातें याद ना आ रही हो तो फिर आप सीधे याद करिए स्ट्रेप्टोकाइनेज एक्ट एज ए क्लॉट बस्टर। क्लियर हो गया? तो ये तो पहला नाम हुआ। दूसरा वाला हिस्सा देखिए, ये जगह मेरी चली जा रही है। दूसरा नाम है हमारे पास साइक्लोस्पोरिन ए। ये तो नाम पहले ही आया होगा। साइक्लोस्पोरिन ए, लेकिन हम लोगों ने जब पढ़ा होगा तो साइक्लोस्पोरिन ही पढ़ा होगा। ए वर्ड ही निकल। पहला सवाल जैसे यहाँ पे कहते हैं भैया किससे प्राप्त होगा तो इनको भी बताते चलिए। तो ये तो बात वहां भी की गई थी, इज ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया या वायरस, फंगस, नाम ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, अब इनका काम बहुत आसान है। ये काम क्या करते, इम्यून सप्रेसिव ड्रग है। जब आपने पढ़ा होगा तो बस वही नाम चाहिए, इम्यून सप्रेसिव एजेंट। यूज कब की जाती है, ड्यूरिंग जी, ये गलत ही नहीं होता क्योंकि एक बार थोड़ी ना पढ़ते, ये तीसरी बार पढ़ रहे हो आप। एक बार ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में पढ़ा होगा, एक बार जब सीएमआई पढ़ रहे होंगे तब पढ़ा होगा, एक बार ये पढ़ेंगे और एक बार क्वेश्चन भी आएगा यार। चाहे पूरे साल भर में दो टेस्ट भी अगर आप दे दोगे इस चैप्टर का तो आपको जरूर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि तीन में से एक सवाल आता ही आता है टेस्ट में। टेस्ट का दायरा छोटा होता है, इस वजह से खत्म हो गया सर। तीसरा नाम है आपके पास स्टैटिन। ये भी उतना इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन पता नहीं कुछ बच्चे इतने मतलब क्या कह रहे हैं उनको, ये तीनों आपस में मिला लेते हैं, इसको उठा के घर डाल देते हैं, उसको उठा के घर डालते हैं, स्टैटिन घर डाल देंगे। इससे जब याद करेगा पूरा एक साथ याद करेगा, जब तीन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल थे, स्ट्रेप्टोकाइनेज डिसॉल्व करता था क्लॉट, साइक्लोस्पोरिन इम्यून सप्रेसिव है, स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो पहले सवाल इनका वाला था, ये स्टैटिन किससे मिलता है, इज ऑब्टेन फ्रॉम, हाँ बोलो क्या है, नहीं मोनास्कस पर्पुरस है क्या, ईस्ट। एग्जाम में भी याद रहे इतनी आवाज में तो अच्छा है। आप PY2 देखिएगा कितने सवाल आते हैं, तो इनसे प्राप्त होता है। इनको हम अगर याद करते हैं तो ऐसे कहते हैं इज ए कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, लोअरिंग एजेंट। एक शब्द और लिखा, लड़का सीख पाता नहीं, रट मारता, उसको कहता है वाया कॉम्पिटिटिव। एक शब्द देखने लिखा होगा कंपटीटिवली इनहिबिटिंग, कुछ ऐसा एक शब्द देखा तो समझ लेता है कुछ होगा, इनहिबिट करता है। अब कैसे मैकेनिज्म समझनी, थोड़ी मुश्किल से है क्योंकि वो चैप्टर आपका गायब हो गया, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, नहायत जरूरी चैप्टर था मतलब मेडिकल साइंस के लिए, और एनडीए को लगा ये बेकार का चैप्टर है, इसको चैप्टर उसमें हटा। फिजियोलॉजी का बेस वहीं से बनता है। मैं आपको छोटी बातें बता दूं, हमारे शरीर में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एंड वन इज नोन एज एन एलडीएल। सुन लीजिए तो आपको थोड़ा समझ में बेहतर रहेगा, आगे भी खूब इस्तेमाल होगा जनमानस में। एल कहलाता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, और एक कहलाता है एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो दोनों कोलेस्ट्रॉल हैं, ऐसा नहीं कोलेस्ट्रॉल आपको हमेशा नुकसान करता है, फायदा भी करता है। तो जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उनकी बात जानिए, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है। यूजुअली हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बदनाम करके बैठे, कहते हैं इसे बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम लोग कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल।
जबकि नॉर्मली लोगों को सिखाया जाता है कोलेस्ट्रॉल नो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं खाना चाहिए, खाइए, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल खाइए जिसमें एचडीएल एलडीएल ना, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वाली आपको फायदा पहुंचा। तो मैं ये तो पढ़ाने नहीं जा रहा, मैं पढ़ाऊंगा आपको बुरी गली। इनका काम क्या होता है, एलडीएल हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है ब्लड में प्रेजेंट रहता है। अब इसमें क्या होता है कि ये बनाता कौन है पहले ये जाने। तो एलडीएल नाम का कोलेस्ट्रॉल बनाया जाता है लीवर के पास, लीवर बना बना के जो आप खाते हो ना फैटी चीजें, तो फैट के कई सारे यूज हैं, फैट से आप ऊर्जा भी प्राप्त करते हो, फैट से आप कोलेस्ट्रॉल भी बनाते हैं, एसिडेट भी बनाता है, लेकिन हमारा प्रयोजन सिर्फ पेट है। ये इसने बनाया और बना के आपने ब्लड में डाल दिया। अब अगर ये ब्लड में पड़ा हुआ है ऐसे तो जगह जगह रुक सकता है, कैड आ सकता है। कब पढ़ाया कि कैड में सिर्फ ब्लड क्लॉट होता है, इट मे बी ड्यू टू कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, फैट डिपोजिशन, तो कोलेस्ट्रॉल भी डिपोजिट हो जाता है। तो जिन लोगों में लीवर थोड़ा एक्टिव काम कर रहा है, फैटी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, तो उनमें एलडीएल ज्यादा। अब एलडीएल जब ज्यादा बन जाएगा तो ब्लड में उठा के डाल देता है, अब ब्लड में ही एलडीएल चुपचाप रुक जाता है, तेल वाली चीजें कहाँ चलने वाली, तो जगह जगह वो घेर बना के सुस्त होके खड़े हो। अब ऐसा हो गया तो ये देखिए हमारी बैड कोलेस्ट्रॉल, ये हमारी ब्लड प्रेशर है, तो इसमें ऐसे डिपॉजिट होना शुरू हो गया। अब आगे कहानी आप जानते हैं, कैसे शुरू हो सकता है, तो ये बुरी चीज है। अब ये स्टैटिन काम कैसे करता है, स्टैटिन जाके लीवर पे काम करता है, और ये स्टैटिन क्या करता है भाई, इस काम के लिए आपको कोई एंजाइम चाहिए, इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो स्टैटिन जाके इसी एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। इसको कहता है कि भैया तुम काम थोड़ा कम करो, तो ये काम थोड़ा कम करने लगते हैं, जब कम करते हैं तो एलडीएल कम बनता है, एलडीएल बनाना कम करते हैं। अब कम करने के बाद ये घट कैसे गई, भाई जो बन गई उसका क्या करें, उस पर कोई काम नहीं करता। स्टैटिन सिर्फ लीवर पे जाता है, एंजाइम को इनहिबिट कर देता है जिससे एलडीएल कम हो, क्योंकि रोज बनती है, हम तो खाने बहुत सारी चीजें फैटी खाते रहते हैं, चाहे जितना ना ना करिए फिर भी बहुत सारी फैट खा जाते हैं। जो आप दाल खाते हो उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, थोड़ी सी फैटी एसिड भी है, मूंगफली खाते हो प्रोटीन है उसमें फैटी एसिड भी है, ड्राई फ्रूट खाते हो उसमें फैटी एसिड भी है, तो चीजें तो पहुंच रही हैं आपके पास ना, भाई तेल घी खाली नहीं खा रहे हो, चम्मच तो खाया करते थे। तो अब इसने क्या किया, एलडीएल बनाना कम कर, लेकिन हमारे एलडीएल का एक काम और है, ब्लड के रास्ते ये शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है, फिर जिस कोशिका को चाहिए ले लो, हर कोशिका को लिपिड चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनाओगे, प्लाज्मा प्रोटीन और लिपिड सेल को चाहिए। अब क्या होता है, अब यहां पर हमारी जो सेल्स हैं अगल बगल बन कम रहा है, तो अब जो सेल को चाहिए अपने कोलेस्ट्रॉल, तो क्या करेंगे, इस कोलेस्ट्रॉल को लेना शुरू कर देंगे, बन कम रहा है और यूज ज्यादा हो रहा है, तो कुछ ही समय के बाद आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर आपने स्टैटिन नहीं लिया तो जो आपका था और बन भी खूब तेजी से रहा है, तो हट पाएगा नहीं और बन और जाएगा, तो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन आपको सिखाया कैसे जाता है, कोलेस्ट्रॉल लो ही ये कोलेस्ट्रॉल बनना बंद करता है, धीमा करता है, इसको खत्म नहीं करता, खत्म तो अपने आप हो जाता है। उस समय में आप शब्द दोबारा पढ़िए, why the competitively inhibiting this इस एंजाइम को काम करने इनहिबिट कर देता है और कहता भैया तुम एलडीएल कम बनाओ, ना बनाओ बहुत ही अच्छा, महीना भर नहीं बनाओगे, जितना होगा सब खत्म हो जाएगा, फिर हम स्टैटिन बंद कर लेंगे। तो अगर ये बात आपको समझा हम ना पाए हो तो शब्दों में याद करिए, स्टेप्टोकाइनेज ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करता है, ये इम्यून सप्रेसिव ड्रग है और इसके लिए कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कैसे कम करता है नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक बात याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है, ये क्लॉट डिसॉल्व करने वाले एजेंट के नाम से जाना जाता है, ये इम्यून सप्रेसिव ड्रग के नाम से जाना जाता है। क्लियर?